क्वेश्चन नंबर सिक्स, द बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इक्वल टू के इंटू वन प्लस 0.5 एस इंटू वन प्लस ए एस डिवाइड बाई एस, वन प्लस एस बाई 8, वन प्लस बी एस, वन प्लस एस बाई 36 इज सोन बिलो. नोट डेट माइनस 6 डीबी पर ऑक्टेव इक्वल टू माइनस 20 डीबी पर डिकेड. द वैल्यू ऑफ ए बाई बी के इज, देर इज ए बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट सोन इन द फिगर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गेट इलेक्ट्रिकल 2014 सेट वन का क्वेश्चन था आपके पास. इसमें क्या था क्वेश्चन में, आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन का स्टाइल दिया था कि ट्रांसफर फंक्शन से आपके पास इसमें 3 अननोन थे, एक के अननोन था गेन, एक ए अननोन था और एक आपके पास बी अननोन था. ए बी और के आपके पास अननोन था जैसे आप देख पा रहे होंगे. यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन था कि -6 डीबी पर ऑक्टेव इक्वल टू -20 डीबी पर डिकेड होता है और ए अपन बी के की वैल्यू फाइंड आउट करना था. ए बी अननोन है, बी बी अननोन है, ए अपन बी के की वैल्यू निकालना था और न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन था और जी ऑफ एस के लिए एक बोडे मैग्नेट्यूड प्लॉट आपको गिवन है. इसका मतलब है इस प्लॉट से आपको ए बी और के 3 वैल्यू निकालना है, ये दिया आपको स्टाइल, और ये 3 वैल्यूज निकालने के बाद आपको ए अपन बी के फाइंड आउट करना है. तो पहला चीज आपके पास, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो -6 डीबी पर ऑक्टेव इक्वल टू -20 डीबी पर डिकेड है. जब मैं डिकेड फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, डिकेड फ्रीक्वेंसी, तो जब डिकेड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं आपके पास तो ये होता है ओमेगा 2 इक्वल टू नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 10 ओमेगा 1. तो अगर मैं ओमेगा में अगर बात करूं कि ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 का रेशियो क्या, कंजुगेटिव जो फ्रीक्वेंसी है उसके में रेशियो के बीच का डिफरेंस कितना है आपके पास, रेशियो 10 है. तो अगर मैं 20 लॉग ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 लूंगा तो 20 लॉग 10 हो जाएगा और 20 लॉग अगर 10 हो गया तो ये 20 हो गया, तो ये 20 डीबी पर डिकेड हो गया आपके पास. इसका मतलब है आपके पास जब भी मैं डिकेड फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ ये स्लोप होता है. अगर ये इंक्रीजिंग है 10 टाइम्स तो 20 डीबी पर डिकेड, अगर ये 1/10 है तो -20 पर डिकेड, बट ये डिकेड फ्रीक्वेंसी का स्टाइल है. बट इसी की जगह अगर मैं ऑक्टिव फ्रिक्वेंसी आपके पास 2 टाइम्स होता है, ओमेगा 2 इक्वल टू 2 ओमेगा 1 होता है, तो ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 का जो रिजल्ट हो गया आपके पास वो कितना हो गया, 2 हो गया. अगर मैं बोलूँ आपके पास कि 20 लॉग ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 सॉल्व करो तो ये होगा 20 लॉग 2 और 20 लॉग 2 सॉल्व किया आपके पास तो 0.3010 लॉग 2 और इंटू 20 तो 6 डीबी पर ऑक्टेव होगा. ये 20 डीबी पर डिकेड था क्योंकि डिकेड फ्रीक्वेंसी था, ये ऑक्टेव फ्रीक्वेंसी तो 6 डीबी पर ऑक्टेव. तो जब भी मेरे को ऑक्टेव फ्रीक्वेंसी की कंसेप्ट की बात करना होता है दैट मीन द 6 डीबी पर ऑक्टेव, तो पूरा का पूरा इसका जो मल्टीपल्स होगा 6 में होगा, 6 डीबी पर ऑक्टेव, 12 डीबी पर ऑक्टेव, 18, 24, 30, 36 ये सब डीबी पर ऑक्टेव होगा, चाहे फिर माइनस हो, -6, -12, -18 ये आपके पास डीबी पर ऑक्टेव होगा. बट डिकेड फ्रीक्वेंसी होगा 20 का मल्टीपल्स होगा, 20, 40, 60, 80, 100, -20, -40, -60 ये डीबी पर डिकेड का स्टार होगा. बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी मेरे को कन्वर्जन करना होता है फ्रीक्वेंसीज का, देखोगे ध्यान से 2 से 4, 4 से 8 हो गया क्योंकि डीबी पर ऑक्टेव में लिखा हुआ है. अब अगर मैं कंसेप्ट वाइज बात करूं तो आपको कभी भी ऑक्टेव फ्रीक्वेंसी के लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं है. जब भी किसी क्वेश्चन में, बहुत ही कम यूज होता है ऑक्टेव फ्रीक्वेंसी का क्योंकि हमारे पास सब लॉगरिथमिक एक्सिस होता है आपके पास, तो मैक्सिमम डीबी पर डिकेड स्लोप यूज करते हैं. बट फिर भी अगर कभी डीबी पर ऑक्टेव आपके पास गिवन है तो आपको क्लियर होना चाहिए कन्वर्जन कि अगर आपके पास 6 डीबी पर ऑक्टेव अगर आपके पास है तो 6 डीबी पर ऑक्टेव की वैल्यू जब डिकेड फ्रीक्वेंसी में जाते हैं तो 20 डीबी पर डिकेड के बराबर होता है. अगर ये 12 डीबी पर ऑक्टेव है, 12 डीबी पर ऑक्टेव, तो ये 40 डीबी पर डिकेड होगा. अगर ये -18 डीबी पर ऑक्टेव है, -18 डीबी पर ऑक्टेव, तो ये हो जाएगा -60 डीबी पर डिकेड. इसका मतलब ये हुआ कि आपको कभी वरी नहीं करना आपके पास डीबी पर ऑक्टेव. ये क्वेश्चन में गिवन नहीं भी होता तो भी हमको पता होना चाहिए चीज़ें. ये तो क्वेश्चन में गिवन था कि -6 डीबी पर ऑक्टेव इक्वल टू -20 डीबी पर डिकेड, बट हमको ऑलरेडी पता होना चाहिए. तो अगर आपके पास डीबी पर ऑक्टेव, जैसे पहला -6 डीबी पर ऑक्टेव दिया है, इसका मतलब है कि ये -20 डीबी पर डिकेड है. ये पहला वाला स्लोप ऐसा लिखेंगे आप हमेशा, ये 0 डीबी पर ऑक्टेव, ये 0 डीबी पर ऑक्टेव, -6 डीबी पर ऑक्टेव, इसका मतलब ये -20 डीबी पर ऑक्टेव है, -20 डीबी पर डिकेड. ये -12 डीबी पर ऑक्टेव, तो ये कितना हो गया, -40 डीबी पर डिकेड. तो आप कभी भी वरी ना करें, जब भी डीबी पर ऑक्टेव दिया है आप हमेशा कन्वर्ट कर ले डीबी पर डिकेड में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. अब आपको लो फ्रिक्वेंसी रीजन -20 डीबी पर डिकेड दिया है, इनिशियल रीजन या लो फ्रिक्वेंसी रीजन, इनिशियल रीजन या लो फ्रिक्वेंसी रीजन -20 डीबी पर डिकेड दिया है और -20 डीबी पर अगर डिकेड गिवन है, इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट वन पोलेट ओरिजिन, एक पोल ओरिजिन पे होगा,
तभी बनता है लो फ्रिक्वेंसी रीजन का स्लोप -20 dB/dekade। अगर ये -40 होता तो आप बोलते देयर आर टू पोल्स एट ओरिजिन, -20 है तो वन पोल एट ओरिजिन। वैसे भी दिख रहा हमको ये 1/s का टर्म, यहाँ से पता भी चल रहा है, ठीक है। अब आपके पास -20 dB/dekade आ रहा था, 0 dB/dekade हुआ, इसका तब ये कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है। फिर 0 dB/dekade से आपके पास यहाँ पे जो दिख रहा है, आपके पास 0 dB/dekade में आपके पास यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में -20 था, 0 dB/dekade था, यहाँ पे आपके पास ये 20 dB/dekade मिसिंग हो गया था, ये क्वेश्चन में गिवन था। आपके पास ये था 6 dB/octave, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 6 dB/octave, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें मेंशन था 6 dB/octave। तो 6 dB/octave मतलब 20 dB/dekade, तो 0 dB/dekade से आपके पास ये 0 dB/dekade, तो ये 20 dB/dekade हुआ, इसका मतलब ये भी एक कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है। 20 dB/dekade से अगेन 0 dB/dekade हुआ, अगेन ये कॉर्नर फ्रिक्वेंसी 8। फिर 0 dB/dekade से -20 dB/dekade हुआ तो ये भी एक कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, -20 से -40 हुआ तो ये भी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी। ओवरऑल कॉर्नर फ्रिक्वेंसी कितना है, 2 रेडियन, 4, 8, 24, 36, देयर आर 5 कॉर्नर फ्रिक्वेंसी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है। अब देखते हैं -20 से 0 हुआ इसका मतलब +28 कि कितना ऐड करते हैं किसी जगह पे, वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो फैक्टर होगा उसका जीरो या पोल का ऑर्डर कितना होगा। -20 में +20 ऐड किए तब जाके 0 dB/dekade हुआ, और +20 का ऐड होना मतलब फर्स्ट ऑर्डर का जीरो होना, तो ये फर्स्ट जीरो होगा, फर्स्ट ऑर्डर जीरो। फिर 0 dB से +20 dB कब होगा, जब मैं अगेन एक और जीरो ऐड करूंगा, जीरो में +20 ऐड करूंगा तो 4 भी फर्स्ट ऑर्डर जीरो हुआ। जीरो से आपके पास ये 20 हुआ, 20 से जीरो कब होगा, 20 में मैं -20 ऐड करूंगा, -20 मतलब वन पोल, फर्स्ट ऑर्डर पोल। फिर ये 0 dB में फिर -20 कितना होगा, अगेन -20 ऐड करूंगा तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर पोल है। -20 से -40 कब होता है, जब -20 ऐड करता हूं, इसका मतलब ये भी फर्स्ट ऑर्डर पोल है। इसका मतलब है कि जो लास्ट के 3 कॉर्नर फ्रिक्वेंसी वो सब फर्स्ट ऑर्डर पोल है। क्यों, 0 से 20 से आपके पास 20 से 0 हुआ, 0 से -20 हुआ, -40 हुआ, एक एक पोल हम ऐड करते गए, तो इसमें किसी का भी ऑर्डर 1 से ज़्यादा नहीं है, किसी भी पोल या किसी भी जीरो का। अब अगर मेरे को इसमें अगर लिखना है जी ऑफ एस की वैल्यू लिखना है तो के आ गया, वन पोल एट ओरिजिन था, ठीक है, इनिशियल स्लो -20 dB/dekade है। अब जो 2 है आपके पास 0 है, 1+s/2 लिखा, एक 0 आपके पास 2, फिर आपके पास 0 है 4, तो 1+s/4 लिखा, फर्स्ट ऑर्डर 0। उसके बाद 8 आपके पास एक पोल है, 1+s/8 एक पोल, फिर आपके पास एक और पोल 1+s/24 सेकेंड आपके पास, और लास्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी फर्स्ट ऑर्डर पोल 1+s/36। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, हमको सब कुछ पता है, क्या नहीं पता, सिर्फ के की वैल्यू नहीं पता है, गेन की वैल्यू, डीसी गेन की वैल्यू नहीं पता है। अगर मैं कंपेयर करूं तो 1+s/2 मतलब 1+0.5s, 1+as है, इसका मतलब है कि अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो ए की वैल्यू 1/4 मिल चुका है आपको, a = 1/4 मिल गया, देखो कंपेयर करो। फिर एस है, 1+s/8 है, ठीक है, फिर 1+bs है और 1+s/36 ये भी ठीक है, तो बी की वैल्यू कितना मिल रहा है आपके पास, बी की वैल्यू 1/24 है, तो बी की वैल्यू 1/24 है। अगर क्वेश्चन में होता कि ए फाइंड आउट करो 1/4 बोलते, बी फाइंड आउट करो 1/24 बोलते, मेरे को फाइंड आउट करना है के की वैल्यू। के की वैल्यू हमेशा आपका लो फ्रिक्वेंसी रीजन से के की वैल्यू निकाला जाता है, ये लो फ्रिक्वेंसी रीजन से ये। तो मेरे को यहाँ पे अगर आपके पास ओमेगा की वैल्यू पता है 0.01, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2 पता है, बस यही से निकाला जा सकता है। ओमेगा = 0.01 में मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये जो होता है ये जीरो नहीं होता, लॉग जीरो एक्जिस्ट नहीं करता है ना, लॉगरिथमिक एक्सिस है, ये 0.1 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, एनी स्मॉल वैल्यू। तो 0.01 लिखा, 0.01 में मेरे को मैग्नीट्यूड पता है कि नहीं पता है, इसका मतलब है कि अगर मेरे को ये मैग्नीट्यूड नहीं पता है तो मैं के फाइंड आउट ही नहीं कर पाऊंगा, यहाँ फाइंड आउट नहीं कर सकता 0.01 से। हाँ, ओमेगा = 2 पे आपको मैग्नीट्यूड पता है, किस जगह पे मैग्नीट्यूड पता है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो ये भी आपको नहीं पता, ये भी आपको नहीं पता, इसका मतलब ओमेगा = 2 की हेल्प नहीं ले पाओगे। अगर आप बैक साइड जाओ कि मेरे को अगर ये मैग्नीट्यूड पता चल जाते, मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा, यहाँ इन दोनों की हेल्प से, अगर मैं इन दोनों की हेल्प से 2 ओमेगा पता है, एक आपके पास अगर मैं बोलूं कि ये कितना है, तो आपको देखो ये भी मैग्नीट्यूड नहीं पता और ये भी मैग्नीट्यूड नहीं पता, जब ये दोनों मैग्नीट्यूड नहीं पता तो फिर 2 अननोन से, इसका मतलब आप कितना भी सॉल्व कर लो आप इसकी वैल्यू बता नहीं पाओगे अभी कितना मैग्नीट्यूड है, तो फिर के कैसे निकलेगा, के यही से निकल सकता है आपके पास इन दो से। इसके पहले थोड़ी देर पहले मैं कंसेप्ट की बात कर रहा था कि अगर आपके पास टाइप 1 सिस्टम है, किसी से आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का टाइप 1 सिस्टम है, इसका मतलब वो k/s का फॉर्म होगा, और अगर वन पोल एट ओरिजिन होगा तो जो k/s का फॉर्म होता है अगर उसको एक ही बार अगर प्लॉट कर दिया गया तो वो 0 dB लाइन को ओमेगा = k पे कट करता है। इसका मतलब ये क्वेश्चंस
किसके लिए फ्रेम किया गया, इस चीज के लिए फ्रेम किया गया कि आप ऐसे कितने लोग होंगे जो इस वाले स्लोप को यूज कर रहे होंगे आपके पास, ये जो डायरेक्ट दिख रहा है। एक्चुअली ये 1/s का टर्म है, वो तो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आ गया इसलिए चेंज हो गया। अगर आप कॉर्नर फ्रिक्वेंसी नहीं आता तो ये पूरा का पूरा -20 dB पर डिकेट पूरा क्रॉस करके निकल जाता। इसका मतलब ये किस पॉइंट पर कट कर रहा है, 8 पे। कौन सा? 1/s का टर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 8 पे आपके पास आ रहा था आपके पास ये वाला टर्म, एक्चुअली यही ओमेगा इक्वल टू के की वैल्यू है। तो अगर मैं बोलूं कि 1/s वाला टर्म्स आपके पास इस जगह पे 0 dB लाइन को टच कर रहा था, यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। तो ओमेगा की वैल्यू के बराबर होता है जब 1 पोल एट ओरिजिन होता है, जब 2 पोल्स एट ओरिजिन होता है स्लोप -40 dB पर डिकेड होता है, उस केस में ओमेगा की वैल्यू √k के बराबर होता है जिस जगह पे 0 dB लाइन को टच करता है, √k। अभी आपके पास ओमेगा इक्वल टू के होगा, इसका मतलब है हमको पता चल गया के की वैल्यू आपके पास 8 है। ये हुआ कंसेप्ट फ्रॉम फिगर, हमको पता चल गया के की वैल्यू आपके पास इस जगह से। तो हम ध्यान रखेंगे आपके सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था 1/s का जो टर्म्स था वो तो चेंज क्यों हुआ, क्योंकि कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पहले आ गया आपके पास। तो जब भी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पहले अपीयर होगा ओरिजिनल बॉडी मैग्नेट्यूड प्लॉट का स्लोप चेंज हो जाएगा। बट अगर उसको मैं डॉटेड डॉटेड लाइन करके अगर मैं कट करता तो कन्फर्म था कि 8 rads/s पे 0 dB लाइन को टच करता, इसलिए मेरे को पता चल गया कि के इक्वल टू 8 है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन किया ये सब कुछ है ना, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन किया था। अब अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, a/b के, तो मैं वैल्यूज फाइंड आउट कर सकता हूँ। ए की वैल्यू 1/4 है, बी की वैल्यू 1/24 है, और के की वैल्यू आपके पास 8 है। ये 8 × 2 आपके पास 24, 3 आ गया 3/4, 3/4, 3/4 दैट मीन 0.75 a/b की वैल्यू चेक कर लेंगे आप। 6/8 आपके पास, तो 3/4 ठीक है 0.75, तो आप ऐसे निकाल सकते। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन एक के पे बेस्ड था, आप कैसे ए निकाला जा सकता था, बी निकाला जा सकता था। आपको ये पता होना चाहिए था कि 1/s एक्चुअली 0 dB लाइन को किस जगह पे कट करता है, तो वो कट करता है ओमेगा इक्वल टू के बराबर कट करता है। तो अगर आपको ओमेगा पता है इसका मतलब आपको के पता है, तो डायरेक्टली इस फिगर से मेरे को के पता होना चाहिए था, के इक्वल टू 8, ए और बी निकाले सिंपल a/b के 0.75। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, केयर करना अगले बार से कि इस टाइप के क्वेश्चंस में ये जो डॉटेड लाइन था ये सबसे इंपॉर्टेंट था। नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं कि इस वाली लाइन का कोई यूज नहीं, बट ये इसी 8 के लिए क्वेश्चन फ्रेम था। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू।